वेलकम टू बुल्स एरा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसकी प्राइस वैल्यू बहुत ही लो है और इन तीनों स्टॉक्स में मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो हमेशा बना हुआ रहता है और किसी न किसी प्राइस पर इन तीनों स्टॉक में मोस्टली रिटेल ट्रेडर ही फंसे हुए हैं या तो ओवर एक्साइटेड होके बाइंग के लिए वेट कर रहे हैं। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इन तीनों स्टॉक में एज पर टेक्निकल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिख रही है जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टॉक का नाम है वो है स्पाइसजेट। स्पाइसजेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एज पर टेक्निकल बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग चीज़ बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो क्लोजिंग है वो 75.15 की आपको दिख रही है स्पाइसजेट में, बट इसमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो आप ज़रूर नोट करके रखें जो कि है 73.7 से लेकर 73 तक का जो प्राइस जोन है स्पाइस जेट में मेजर और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसे आप ज़रूर नोट करके रखें। और ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन किस लिए है वो डिस्कस करते हैं। नॉर्मली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही तरह का ट्रेंड लाइन सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस करता है, बट जिस प्राइस जोन में अभी हमने सपोर्ट जोन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया 73.7 से 73 का, ये जो प्राइस जोन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रिपल ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन है। ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ये तो है ही, बट दो तरह से ये ऊपर का ट्रेंड लाइन भी आप देख सकते हैं और ये जो लो साइड से हमने ये एक लो से दूसरा लो मिला के लगाया ये वाली ट्रेंड लाइन, तो कुल मिलाकर तीनों ट्रेंड लाइंस का जो लेवल है जो प्राइस लेवल है वो एक ही एरिया में आके मिल रहा है जो कि है 73.7 से लेकर 73। तो इस हिसाब से स्पाइस जेट में ये एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ऑलरेडी क्रिएट पहले से हो चुका है, बट आप वेट करें 73.7 से 73 के बीच में, अगर यहाँ पर किसी भी तरह का बुलिश रिवर्सल पैटर्न मिल जाए कैंडलस्टिक में तो वो एक और सोने पे सुहागा वाली बात होगी। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में स्पाइस जेट को ज़रूर अपने वॉचलिस्ट में ऐड रखें और जो सपोर्ट जोन हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया इसे ज़रूर नोट करके रखें, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। और अब नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स का कुछ दिनों पहले ही IPO आया था और IPO में भी कुछ खास इसने बात नहीं दिखा पाई। स्टॉक कुल मिलाकर वहीं अटका हुआ है, मतलब कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें फंसे हुए हैं अभी भी। बट कल्याण ज्वेलर्स में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप देख यहाँ पर एज पर टेक्निकल किस तरह की अपॉर्चुनिटी बनेगी वो आप ज़रूर ध्यान देके सुने। तो कल्याण ज्वेलर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो क्लोजिंग है, एक तो दो दिनों से इसमें अच्छी कुछ जान आती हुई दिखी है, स्टॉक बुलिश मोमेंटम की तरफ जा रहा है, बट इसका आज जो हाई लगा वो 74.2 का लगा, बट इसमें अपर साइड में 75.25 का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है जिसे आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसका मतलब 75.25 का लेवल जब आता है तो हो सकता है कि वहाँ से प्राइस डाउन साइड आए इसमें, बट एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि इससे पहले भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्राइस लेवल को 2-3 बार यहाँ पर टेस्ट किया था, एक बड़ी गिरावट आई थी, ऑलमोस्ट ये वाला भी हम एक एरिया के तौर पर मान सकते हैं कि इसमें भी हाई जो लगा था वो 74.4 का लगा था, तो यह भी इसी लेवल से इसमें डाउनफॉल हुई, बट ये तीसरी बार है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक जितनी अधिक बार अपने किसी भी लेवल को टेस्ट करने की टच करने की कोशिश करता है तो हर बार में उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो वीक होती जाती है। इसका मतलब पहला बार इसने टेस्ट किया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, सेकेंड बार टेस्ट करने की कोशिश की तो इससे थोड़ा वीक हो गया, बट ये थर्ड बार हो रहा है तो ये ऑलमोस्ट अब इन दोनों बार से ज़्यादा वीक हो गया, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये वीक होते जा रहा है। तो इसमें इस बार अगर ये 75.25 का लेवल ब्रेक करे, ऊपर में क्लोजिंग करे, तो इसके ऊपर में एक बहुत अच्छी बुलिश मोमेंटम की उम्मीद है, बट उसके लिए आपको प्राइस लेवल को नोट करके रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली इसमें किस तरह की प्राइस में मूवमेंट हो रही है उसे ट्रैक करना पड़ेगा। अगर ऊपर में क्लोजिंग होती है 75.25 के ऊपर में क्लोजिंग होती है तो इसमें आप ज़रूर एक बाइंग बेट कर सकते हैं। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा और जो हमने चीज़ों को समझाने की कोशिश की उसे समझ लिया होगा कल्याण ज्वेलर्स में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है IRFC। IRFC में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लेवल आपके साथ शेयर करने वाले हैं और रेजिस्टेंस में किस तरह से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना है वो भी डिस्कस करेंगे। तो IRFC में ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो सपोर्ट लेवल है वो है 22.25, इसकी जो क्लोजिंग है वो 22.85 की है,
और इसमें 22.25 इसमें सपोर्ट जोन है, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसे ज़रूर ध्यान में रखें 22.25। और इसमें ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उससे ही टच करके इसमें थोड़ा सा रिवर्सल लगी। इसका जो हाई आप देख सकते हैं 23.05 की है, बट जो क्लोजिंग है वो 22.85 की है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, उसके बाद ऊपर में क्लोज करे और अगेन रीटेस्ट करेगा जब, जैसा कि आईनॉक्स में हुआ था और इसमें उसमें भी हमने आपको सजेस्ट किया था। तो अगर ये रीटेस्ट करेगा तो यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना है, और इस एरिए में इस रीटेस्ट लेवल में आपको 23 के करीब में बाइंग करना है, तो ये स्टॉक आपको एक अच्छा टारगेट बनता हुआ दिखेगा, जो कि 24.3 ये इसके लिए टारगेट बनेगा। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में IRFC को ध्यान में रखें, प्राइस को ट्रैक करें, ऊपर में किस तरह से बाइंग करनी है वो भी हमने डिस्कस कर दिया, और लोअर लेवल में कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो भी डिस्कस कर दिया। तो आई होप आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा, लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा, इन लेवल्स पे प्राइस को ट्रैक करें, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। और इस तरह का टाइम टू टाइम अलग अलग स्टॉक में जो हम लेवल्स प्रोवाइड करते रहते हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।